हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन स्टाइल विद मेघा। आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बरूले रेसिपी, जो यूपी के अलीगढ़ सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है बरूले। तो आइए जानते हैं इन्हें बनाते कैसे हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए ये नमक सॉल्ट टू टेस्ट, और चाहिए हमें आटा, और हमें ये चाहिए फूड कलर, और सरसों का फ्राई तलने के लिए बरूलों को। ये मीडियम साइज़ के आलू होने चाहिए, आलू ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और ये पुराने आलू लिए हैं मैंने, क्योंकि अभी मार्केट में नए आलू नहीं आए हैं। तो अगर आपको नए आलू मिल जाए तो बात ही क्या है फिर बरूलों की। तो चलिए जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो गेहूँ का आटा है ये इसमें मिला लेना है आलूओं में। और ये मैंने ये उबले आलू लिए हैं, ये बहुत छोटा साइज़ का आलू है और मैंने ये उबले आलू लिए हैं। इसमें हम मिलाएंगे आटा, और हम लेंगे नमक। आप जितना आपके टेस्ट के अनुसार हम नमक लेंगे। हम फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये फूड कलर। फूड कलर है ये ऑरेंज कलर का होना चाहिए, और अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। और फूड कलर आपको सिर्फ इतना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये कड़वा कर देगा। और पानी आपको बहुत धीरे धीरे मिलाना है, एकदम इकट्ठा पानी नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और आपको अच्छे से इन्हें मिक्स करना है। तो आपको ये इस तरीके से मिला लेने हैं, और आपको एकदम पानी इसमें नहीं कर देना, ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाना है, ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, आपको गाढ़ा रखना है। तो अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इन्हें तलते हैं। तो आपको कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेना है, ये मैंने सरसों का तेल लिया है। तो आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें एक एक करके डालेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस को धीमा कर देना है, मतलब सिम कर देना है। तो जब तक हमारे बरूले बन रहे हैं तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, एक टमाटर और ये हरी मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी ये लाल मिर्ची, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट ये तीखा खाने में अच्छा लगता है। और मैं इसमें डालूंगी ये आमचूर पाउडर, और हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, और हम इसे एक साइड में रख देते हैं। और तब तक हम चला लेंगे हमारे बरूलों को, इन्हें बीच बीच में चलाते रहें। और हम गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। तो आपको इन्हें तब तक सेकना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्राउन, लाइट ब्राउन हुए हैं, अभी तो हम इन्हें थोड़ा और सेकेंगे। और अभी अच्छी तरह सीख चुके हैं, अभी ना हम प्लेट
निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप ये सिकने के बाद कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो चलिए अब इस आगे क्या करना है ये जानते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बरूले हैं वो तैयार हो गए हैं और अब हमें क्या करना है, एक आप या तो कोई कटोरी ले लीजिए, मैंने छोटी प्लेट ली है, इसे प्लेट से हमें क्या करना है, इन्हें दबाना है। ज़्यादा नहीं दबाना, आपको थोड़ा थोड़ा दबाना है। देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से। तो आपको इनको इस तरीके से दबाना है। अब हम इन्हें गार्निश कर लेते हैं। ये जो हमने चटनी बनाई थी अब हम इस पे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इनमें चटनी मिला ली है और ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को जल्दी से प्रेस कर दो ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो से नोटिफाई हो जाओ और मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलूँगी अपनी नई वीडियो।